नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है आपको दे दे, सीपीआई नेता कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। सभी अटकलों पर विराम लग गया है, कन्हैया कांग्रेस में शामिल होंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, 28 सितंबर को कन्हैया कांग्रेस का दामन थामेंगे। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार अब कांग्रेस के साथ होंगे। 28 सितंबर को कांग्रेस का दामन कन्हैया थामेंगे। पिछले महीने की बात करें और अब तक की बात करें तो कन्हैया दो बार राहुल गांधी से मुलाकात कर चुके हैं और यही वजह है कि लंबे समय से राहुल गांधी से जब वो मुलाकात की तब से ही कयास लग रहे थे कि क्या कन्हैया कुमार अब सीबीआई से नाराज चल रहे हैं तो अब कांग्रेस में जाएंगे। लेकिन अब खबर जो है सूत्रों के हवाले से है और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, कन्हैया कुमार 28 सितंबर को कांग्रेस में शामिल होंगे और कन्हैया के साथ साथ जिग्नेश मेवानी जो कि गुजरात के वडगाम सीट से चुनाव जीते थे, विधायक हैं, वो भी कांग्रेस का साथ देंगे, यानी कि अब कांग्रेस में शामिल होंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कन्हैया कुमार अब कांग्रेस में जाएंगे और कन्हैया के साथ साथ जिग्नेश मेवानी भी कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, बिहार से जुड़ी हुई खबर है और दिल्ली के सियासत से जुड़ी हुई खबर भी है, क्योंकि बिहार के बेगूसराय से कन्हैया लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि वो चुनाव नहीं जीते, लेकिन अगर हाल की बात करें तो सीपीआई में कन्हैया कुमार का विरोध भी हुआ था, कन्हैया कुमार के खिलाफ कमेटी भी गठन हो गई थी और यही वजह है कि कन्हैया अपनी पार्टी सीपीआई से नाराज चल रहे थे। सीपीआई में अगर मुखर चेहरों की बात करें तो कन्हैया सबसे बड़े चेहरे थे इन दिनों, चाहे किसी राज्य के चुनाव क्यों ना हो या फिर केंद्र के चुनाव क्यों ना हो, कन्हैया ही सीपीआई की ओर से सबसे बड़े चेहरे थे। लेकिन अब कन्हैया कुमार जा रहे हैं कांग्रेस का दामन थामने, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कन्हैया के साथ साथ गुजरात के वडगाम सीट से चुनाव जीते विधायक जिग्नेश मेवानी भी जाएंगे। आपको बता दें कि 2017 में जब चुनाव था बडगाम विधानसभा का, तब कांग्रेस ने जिग्नेश मेवानी को समर्थन दिया था, बडगाम सीट से अपने कैंडिडेट को कांग्रेस ने नहीं उतारा था और जिग्नेश मेवानी की जीत भी हो गई थी। और अब जिग्नेश मेवानी रुख कर रहे हैं कांग्रेस की ओर, कांग्रेस में जा रहे हैं, कन्हैया कुमार साथ में होंगे। कन्हैया जेएनयू के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं और हमने आपको बताया कि सीपीआई के अभी तक की बात करें तो अब तक के सबसे बड़े चेहरे हैं। फिलहाल किसी राज्य में चुनाव क्यों ना हो या फिर लोकसभा का हो या फिर कोई भी विधानसभा का चुनाव हो, कन्हैया ही सीपीआई की ओर से बड़े चेहरे होते थे। लेकिन अब कन्हैया जब कांग्रेस में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सीपीआई को एक बड़ा झटका लगने वाला है, सीपीआई को सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। सीपीआई अब युवा नेताओं के बदौलत यानी कि कन्हैया के बदौलत चल रही थी और कई ऐसे बड़े नेता हैं, लेकिन अगर बात हम बिहार की करें, बिहार से जुड़ी क्षेत्र की करें, तो कन्हैया का वर्चस्व बिहार में सबसे अधिक था और सीपीआई में। लेकिन अब कन्हैया कुमार सीपीआई को बाय बाय बोलकर अब हाथ के साथ जा रहे हैं, यानी कि कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, साथ ही जिग्नेश मेवानी भी साथ होंगे। हालांकि देखिए, जिग्नेश मेवानी को लेकर अब तक ये पुष्टि नहीं हुई कि जिग्नेश मेवानी कांग्रेस में जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर है, जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार दोनों कांग्रेस का दामन थामेंगे। जिग्नेश मेवानी कई बार मुलाकात कर चुके हैं, हार्दिक पटेल की बात करें तो वो कांग्रेस का दामन पहले ही थाम चुके हैं। इन युवा चेहरों पर कांग्रेस की नजर थी, राहुल गांधी से मुलाकात करने दो बार पहुंच चुके कन्हैया कुमार। अब कन्हैया जब बड़े चेहरे हैं सीपीआई के, तो राहुल गांधी डायरेक्ट एंट्री करा रहे हैं कांग्रेस में। जाहिर तौर पे सीपीआई को बड़ा झटका लगा है, लेकिन अब कन्हैया जब कांग्रेस में जाएंगे तो बिहार ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में भी कांग्रेस के कुनबे को मजबूत करेंगे, हाथ को और मजबूत करेंगे। बहरहाल देखना होगा 28 सितंबर को कन्हैया और जिग्नेश मेवानी कांग्रेस का हाथ थामते हैं या फिर नहीं। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर है, कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी 28 सितंबर को कांग्रेस का दामन थामेंगे। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद। महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत की बातें करना अलग बात है और उसके दिशा में कार्य करना दूसरी बात। हम चंपारणवासी खुशकिस्मत हैं कि श्री राकेश पांडे जी के निर्देशन में ब्रेवो फाउंडेशन के सौजन्य से ये दोनों कार्य एक साथ हो रहे हैं। जहां एक तरफ सैनिटरी पैड का निर्माण हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसमें कार्यरत सभी वर्कर महिलाएं हैं, जो महिला सशक्तिकरण की ओर सार्थक कदम है। सैनिटरी पैड का महिलाओं के दैनिक जीवन में क्या आवश्यकता है, इससे हम सभी भली भांति अवगत हैं। लेकिन कभी उपलब्धता तो कभी मूल्यों के कारण ये सभी लोगों तक पहुंच ना पा रहा था।
परंतु ब्रेवो फार्मा के द्वारा इस ऐलान के बाद की सैनिटरी पैड को शहर के प्रमुख जगहों पर महिलाओं के लिए मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी, इस बात पर मुहर लगा रही है कि महिलाएं अब सशक्त भी होंगी और स्वस्थ भी। और राकेश पांडे जी कहते हैं कि ये तो बस शुरुआत है, चंपारण बिहार को समृद्ध और युवाओं को सशक्त बनाने का ये कारवा निरंतर चलता रहेगा और इस कड़ी में हम बिहार की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी शुरू करने जा रहे हैं जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अब जिम्मेदारी हमारी है कि इस लोकल के लिए वोकल बने और विकसित बिहार बनाने की दिशा में अपना योगदान दें।